एरोप्लेन को उड़ाने से पहले फेंके जाते हैं इंजन में मुर्गे, सुनी सुनाई बात लगती है झूठी, तो अब जानिए हकीकत। वजन करके फेंके जाते हैं मुर्गे, अब इन मुर्गों को इंजन में फेंकने का लॉजिक क्या है वही बता रहे हैं आगे। इंजन में मुर्गे, क्या ये कोई प्रथा है या जरूरत? आखिर क्यों इंजन में फेंके जाते हैं मुर्गे? सोशल मीडिया के दावों के बीच हवाई हकीकत, सिर्फ दावे नहीं छुपी है सच्चाई। अब मुर्गों का इंजन में क्या काम, इसका लॉजिक हवाई हकीकत बता रही है। एक ऐसी हवाई हकीकत जिसके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो ये सोचकर मजाक में ले लिया होगा कि क्या बकवास है, मुर्गे नहीं फेंके जाते होंगे प्लेन के इंजन में, ये तो सोशल मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन रुकिए जरा, ये झूठ नहीं है बल्कि सच में मुर्गे हवाई जहाज के इंजन में फेंके जाते हैं। अब सवाल ये है कि इसके पीछे का तर्क क्या है, हवाई जहाज के इंजन में मुर्गे आखिर क्या करते हैं, क्या ये कोई प्रथा है या मुर्गे की बलि चढ़ाने के बाद ही हवाई जहाज सफल उड़ान भर सकती है? बहुत सवालों के बीच मस्तिष्क जब उलझ जाता है तब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि हम आपको हकीकत बताते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि हवाई जहाज के इंजन में मुर्गे डाले जाते हैं, जिसे अब तक अधिकांश लोगों ने मजाक हवा हवाई बात मान लिया, लेकिन यही हवा हवाई बात हवाई हकीकत है। हो सकता है ये आपको फिजूल बात लगे, या आप ये सोच सकते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, तो बता दें एरोप्लेन के इंजन को टेस्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। आपने कई बार सुना होगा बर्ड हीटिंग की वजह से हवाई जहाज में आग लग गई है या कोई अनहोनी हो गई है। बर्ड हीटिंग का अर्थ हुआ पक्षियों का टकराना, पक्षी हवाई जहाज के इंजन में टकरा जाती है जिससे इंजन में आग पकड़ लेती है। इसी से बचने के लिए मुर्गों के साथ टेस्ट किया जाता है। द सन की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ने बताया था, किसी भी विमान पर पक्षी से होने वाले हमले को लेकर टेस्ट करने के लिए ये प्रशिक्षण किया जाता है और इसकी आवश्यकता होती है। ये टेस्ट खास तरह की बर्ड गन या बर्ड कैनन से किया जाता है। इसके लिए कई मुर्गों को इंजन की ओर फेंका जाता है। इस प्रक्रिया के तहत फ्लाइट के इंजन में पक्षियों के भिड़ने की तरह ही इसे चिकन यानी मुर्गी फायर किए जाते हैं और देखा जाता है ये इंजन उस स्थिति का सामना कर पाएगा या नहीं। ये विंडशील्ड और इंजन दोनों के लिए किया जाता है। अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1950 के दशक में हर्टफोर्डशायर के डे हेविलैंड एयरक्राफ्ट में ऐसा किया गया था। इस प्रोसेस में मरी हुई मुर्गियों को काम में लिया जाता है। इसके लिए 2 से 4 किलो तक की मुर्गियों को विंड शील्ड में फेंका जाता है और देखा जाता है कि इंजन में आग तो नहीं लग रही है, यानी मुर्गियों को इंजन में फेंकने की बात एकदम सच है। अब आप लॉजिक भी समझ चुके होंगे। आपके शहर गोड्डा में खुल गया है आर्मी कैंटीन, मगर सिर्फ आर्मी के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी। तो अब सिर्फ सुनना नहीं है, जाकर खरीदना है। 20% से लेकर 60% तक मिल रही है छूट। आर्मी कैंटीन में मिलता है सस्ता सामान, वॉशिंग मशीन से लेकर शैम्पू और तेल तक आप खरीद सकेंगे एक्स आर्मी कैंटीन में। सस्ता नहीं, बहुत सस्ता सामान। तो क्यों करना देरी, खरीदना है सामान तो क्यों ना खरीदें सस्ते में अच्छा सामान। यात्रा के लिए चाहिए ट्रॉली बैग और घर के लिए चाहिए राशन, तो पहुंच जाइए सरकंडा चौक के एक्स आर्मी कैंटीन में। हमारा पता है नियर सरकंडा चौक, पथरा रोड, गोड्डा।